बुढ़ापे में ना पड़े पछताना, इसलिए आज ही रिटायरमेंट प्लान जरूर अपनाना। पेंशन योजना एवं सेवा हेतु संपर्क करें 7748936265। अगर आपका बच्चा कैडबरी दुकान से खरीद कर यह चॉकलेट खा रहा है तो आप एक्सपायरी डेट का मिलान जरूर करें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि दुकानदार मुनाफा कमाने के चक्कर में आपके बच्चे के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर बैठे। भरतीपुरा निवासी रोहित सोनकर ने 10 जून को इंदिरा मार्केट स्थित महेंद्र किराना स्टोर से कैडबरी का अल्मेट बार खरीदा था। यह चॉकलेट रोहित सोनकर के पुत्र ने खाई, अचानक उसका स्वास्थ्य खराब हो गया। रोहित सोनकर ने तत्काल अपने पुत्र को इलाज के लिए डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे तो वहीं फूड पॉइजनिंग की घटना सामने आई। रोहित सोनकर और डॉक्टर ने जब महेंद्र किराना स्टोर द्वारा बेची गई कैडबरी चॉकलेट को चेक किया तो वह एक्सपायरी डेट की थी और इस वजह से ही उसका स्वास्थ्य खराब हुआ था। क्या है पूरा मामला आज आपने ज्ञापन दिया? भैया मैं कलेक्टर आया था कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने, तो कलेक्टर साहब तो नहीं मिले, तो मैडम जी को ज्ञापन दिया है। इंदिरा मार्केट स्थित महेंद्र किराना स्टोर, वहाँ मैं 10 तारीख छठवें महीने में गया था और मैंने कैडबरी खरीदी थी बच्चे के लिए, तो कैडबरी बच्चे ने तो खा लिया, लेकिन उसके बाद उसको उल्टी उल्टी जब होने लगी तो मैंने एक्सपायरी चेक किया उसकी, तो एक्सपायरी में उसको 7 मार्च 2019 में एक्सपायर हो चुकी है वो, और वो आज भी कैडबरी बेच रहा है। फिर मैं दोबारा 12 तारीख को गया उनके पास, तो 12 तारीख को जाने के बाद जब मैंने 5 कैडबरी और मंगी उनसे तो उनने मेरे को बाकायदा बिल दिया, सब कुछ किया और पैसा काटा 160 रुपये, और उसके बाद मेरे को कैडबरी उनने फिर से दे दी। जब मैंने उनसे पूछा कि भाई ये तो एक्सपायरी हो चुकी है 1.5 साल पहले और आप आज भी इसको बेच रहे हैं, तो उनका कहना ये था कि लाओ हम वापस ले लेते हैं, और हमने वापस नहीं देने पर उसने हमारे हाथ से 3 कैडबरी छीन लिया, 2 जिसमें से मेरे पास है। इसकी शिकायत हम लेकर आए थे। इसकी शिकायत जब आपने और भी कहीं थाने में भी की, क्योंकि बच्चे की जिंदगी का सवाल था। मैं सिविल लाइन थाने गया, मैंने वहाँ पे पूरा बताया कि मेरा बच्चा एडमिट है उल्टी दस्त में हॉस्पिटल शीतल छाया में, और जब मैंने उनको बताया तो वो बोलते हैं कि ये हमारे यहाँ का मामला नहीं है, जब आगे से कार्रवाई होगी और हमारे पास आएगी तो हम उनको दे देंगे लिखित में कि मामला क्या है। रोहित सोनकर। मैडम ये एक्सपायरी डेट का क्या मामला है? अभी हमें ज्ञापन प्राप्त हुआ है, इनका कहना है कि इनके बच्चे ने इन्होंने अपने बच्चे को कैडबरी दिलाई थी, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई और इन्होंने शायद बाद में देखा कि वह एक्सपायरी डेट की थी, तो इन्होंने हमें ज्ञापन प्रस्तुत किया है कि संबंधित को भेजे जाएंगे और कार्रवाई।